नानाखेड़ा मैदान में 7 करोड़ रुपए से बनने वाले सिंथेटिक स्टेडियम के उद्घाटन के पहले डाबरी अखाड़े में सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। खिलाड़ियों के 7 करोड़ की लागत से नानाखेड़ा स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त को किया जाना है। इसी क्रम में आज डाबरी अखाड़ा परिवार की ओर से ट्रैक के उद्घाटन के पूर्व सुंदरकांड का आयोजन किया गया। स्टेडियम का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। ट्रैक का ओपनिंग है 7 तारीख को, 3 तारीख को, 7 करोड़ रुपए का। तो उसके लिए खेल के जगत के लिए बहुत अच्छी सौगात है, तो उसके उपलक्ष्य में डाबरी अखाड़े द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। शहर के अंदर एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, उसी घड़ी के अंदर आज उज्जैन जिला कुश्ती संघ द्वारा और डाबरी बीठा अखाड़ा द्वारा आज सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है। सब लोगों तक तो एक संदेश पहुंचाने के लिए कि उज्जैन को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय खेल मंत्री जी के माध्यम से, और हमारे उज्जैन शहर के जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, एक उज्जैन के अंदर बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। माधवराव सिंधिया, माधवराव अपने राजमाता सिंधिया स्टेडियम के अंदर, नानाखेड़े के अंदर एक 7 लाख की, 7 करोड़ रुपए की लागत से एक नया निर्माण होने जा रहा है कि दौड़ेगा उज्जैन और बनेगा स्टेडियम। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।